और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। बाजीगर मैं बाजीगर, असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम आपको कोई सस्ती शायरी नहीं सुनाएंगे, आज जो है ना बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो थी लाइक काजल वाली, पारो वाली, वो बनाई थी। एक स्टोरी टाइप होती है और उसमें हम सर्वाइव करते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया आप लोग के लिए, आज हम वही स्टोरी, एक नई स्टोरी लेके आए हैं। तो ये दोनों रैंडम आ गए थे और ना लाइक नंबर 3 जो है ना, इसका पाकिस्तानी फ्लैग है, बट ये पाकिस्तानी नहीं था, ये भी अरबी लड़का था, छोटा बच्चा था ये। लाइक माइक ऑन था ना इसका, तो आवाज़ आ रही थी। ये दोनों अलग चले जाते हैं, हम दोनों अलग जाएंगे सिटी में। तो अब यहाँ से हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे कालिया की। स्टोरी का नाम है मिशन कालिया। ओके गाइस, तो मिशन कालिया में अब ये सीन है कि कालिया क्या होता है। कालिया ना बहुत ज़्यादा अमीर बंदा होता है, लाइक बिल गेट्स भी ना बस समझो कुछ नहीं है, कालिया इतना अमीर बंदा होता है। सारा एरेंगल ना कालिया का होता है, और कालिया का जो बैंक होता है ना, बैंक जहाँ वो अपनी पैसे छुपा के रखता है, वो एरेंगल में ही एक सिटी है। हमें नहीं पता कि वो सिटी कौन सा है, और उस सिटी का जो मैप है ना, लाइक अभी हमें नहीं पता था कि कालिया किस सिटी में पैसे छुपा के रखे थे कालिया ने। कालिया जब यहाँ से गया तो पूरे लाइक इसके पूरे इलाके पे कब्ज़ा हो जाता है। और अब कालिया को सबसे पहले मैप ढूंढना है, मैप मिलेगा जॉर्जो में किसी बंदे के पास से। और कालिया को जितने भी गुंडे हैं ना जिन्होंने कालिया के घर पे कब्ज़ा किया हुआ है, कालिया के इलाके पे, कालिया की बिल्डिंग्स पे, कालिया के शहर पे कब्ज़ा कर रखा है, कालिया को इन सबसे लड़ना है और एंड में ना अपना पूरा इलाका क्लियर करना है और अपना बैंक भी ढूंढना है कि जहाँ उसने सारे पैसे छुपा रखे थे। तो सबसे पहले कालिया लैंड करता है गाइस जॉर्जो की सिटी में। और आज हम लाइक्स ज़्यादा करेंगे क्योंकि आज एक स्टोरी टाइप है और थोड़ा नई चीज़ है। तो मैं यहाँ आपको बोलूँगा गाइस, आज हम लाइक्स हम रखेंगे 50,000 का, और मुझे यकीन है आप लोग पूरा कर दोगे। तो सबके सब मिल के लाइक बटन ठोक देना आज। अगर इस वीडियो पे चले गए ना 50,000 लाइक्स, तो मैं ऐसी स्टोरीज और लेके आता रहूँगा। जब कुछ क्रिएटिव बनाने को मिलेगा ना मज़ेदार, जिसको सुन के, जिसको देख के आपको मज़ा आया, तो मैं ज़रूर नई स्टोरी लेके आऊँगा। तो आज हम बस मिशन कालिया पे ही बात करेंगे। अब कालिया सबसे पहले आया था जॉर्जो की सिटी में पूरा एरिया क्लियर करने के लिए। कालिया के पास अब सिर्फ कच्चा बचा था, कहाँ ये भाई मम्मी डैडी लौंडा, इसके पास बहुत से कपड़े होते थे, अब सिर्फ एक नीला कच्चा बचा है। तो कालिया को एक गुंडों का गैंग नज़र आता सामने, कालिया ने उसको नॉक किया, और कालिया के साथ एक उसका जो होता है ना असिस्टेंट, हाँ वो आया होता है, ये कह सकते हैं असिस्टेंट। देख रहे हो कितने मुश्किल इंग्लिश के लफ्ज़ आ गए मुझे। और कालिया ने जैसे गुंडे को नॉक किया, कालिया गाइस वहाँ पे करेगा नेड, और नेड फटता, बट कुछ वो मिलता नहीं है, लाइक ना किल सिक्योर नहीं होता। और कालिया का असिस्टेंट जो है एक होता ना, जो पूरा गैंग उसको धोखा दे दे उसका, बट एक उसका वफादार होता है, तो वो हमारा नंबर 2 साथ में थी। तो अब हम करते हैं रश, क्योंकि एक बंदा नॉक कर रखा था हमारे कालिया भैया ने। कालिया भैया आगे की तरफ आते हैं और बंदा स्पॉट करने का ट्राई करते हैं। अब मुझे लगा गाइस ये बंदा नॉक है, लाइक वो बैठा इस तरह था, वो पता नहीं रिवाइव दे रहा था ये क्या, तो मैं उसको मारना छोड़ दिया, बट मुझे लग रहा था नॉक है तो मैंने उसको मारना छोड़ दिया था। और फिर मैं उसको सब चीज़ मिला, यहाँ पर वो ब्लीड आउट हो जाता है। अब इतनी देर पीछे कर देता है बंदा जंप, और ये कालिया के असिस्टेंट खतरे में आ जाता है, लो था ये। और फिर काले जाते हैं अपने असिस्टेंट को बचाने के लिए, क्योंकि अब सारे रास्ते जो है ना लाइक काले से ज़्यादा इनको पता होते हैं। और यहाँ पे गुंडों का गैंग कर देता है हमला, और काले का जो असिस्टेंट होता है यस, वो मौत के मुंह में चला जाता है, टक से वापस नहीं आता। और कालिया फिर पहला कैसे अजीब तरीके से बोला मैंने लॉल, कालिया फिर पहला गैंग जो होता है गुंडों का वो मार देता है, और अपना एक शहर जॉर्जो की सिटी, आज हम लाइक वो नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये स्टोरी टाइप है ना, तो आज हम अलग तरीके से एडिट करेंगे इसको, एक शहर जॉर्जो की सिटी क्लियर करने में कामयाब हो जाता है। तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना जो देखते हैं, क्योंकि एकदम नया कंटेंट था, तो आप उनको शेयर करके बताना। और प्लीज़ अनोनिमस की पब्लिक ठोक देना लाइक बटन, आज हम करेंगे इस पे 50,000 लाइक्स। तो काली जैसे गैस अपना सिटी क्लियर करता है, फिर गुंडों के बैग से ना ज़रूरत का सामान उठाएगा, ताकि आगे जाके जितने भी गुंडे मिलेंगे उसके इलाके में, लाइक सारा एरिया कालिया का होता है, उस पर बुरी तरह किसी ने कब्ज़ा कर लिया था कालिया जब इलाके से बाहर था। तो उसके बाद कालिया अब अपने जो है ना, लाइक पहले कालिया के गुंडे काम करते थे पूरे शहर में, अब कालिया के कोई गुंडे नहीं रहे, सब बागी हो गए। कालिया खुद गन वन उठाएगा और सबकी बैंड बजाएगा।
तो फिर हमने सबकी की लूट मज़े से, और काली अपना बैग लेवल 3 भर रहा होता है लेकिन इसकी भूख नहीं मिट रही होती। काली से मैंने पूछा भाई इतनी लूट क्यों कर रहा है, कालिया बोलता है कि अनानिमस भैया वो बंदे बहुत है ना, पता नहीं देखो 68 गुंडे बचे हैं, 67 तो यस हमें ज़्यादा लूट चाहिए होगी। तो अब हमें चाहिए था गाइज मैप जिसमें कालिया के बैंक का वो था नक्शा, लाइक पता था कि बैंक सारी दौलत कहाँ पर है, उस पर कोई कब्जा ना कर ले तो हमें सबसे पहले वहाँ जाना था। तो अच्छी बात ये थी कि सिर्फ ओके पहले बॉट भैया आ गए यहाँ पे, बाबू भैया आ गए इनको मारेंगे। अब अच्छी बात ये थी पूरे जॉर्ज में ना जिसके पास मैप होता है ना सिर्फ वो बंदा बचा होता है। अब आप कहोगे मैप क्या है, जिन्होंने गैस कर लिया वो कमेंट करके बताओ कि मैप क्या था, और जिन्होंने नहीं गैस किया वो अभी देखेंगे। तो मैं एक बार पहले देख रहा था, लेकिन मैं नहीं कालिया देख रहा था लॉल। अब मैं बार बार कालिया बोली जाएगी, चलो एक वीडियो में ना ज़्यादा सारा कालिया सुन लो आप, कोई बात नहीं। और हमने ना अपने बंदे का नाम भी कालिया रख दिया हमेशा लाइफ टाइम के लिए कालिया, वो जब कच्चा कोई भी पहनेगा तो फिर हम वो साथ में बोलेंगे जैसे कालिया नीले कपड़ों वाला, कालिया पीले कपड़ों वाला, लेकिन हमने इसका नाम रख दिया कालिया। कालिया जा रहा था अपना मैप उठाने के लिए, नक्शा मिल जाए पता चल जाए कि कहाँ, फिर हमें नक्शा मिल गया गाइस, यस 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 कालिया को मिल जाता है नक्शा। और कालिया फिर नक्शा ओपन करके देखता है, ये ओपन हो रहा था ओके कालिया नक्शा ओपन करके देखता है कि कहाँ पर है हमारा बैंक जहाँ सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यस। और फिर कालिया मैप ओपन करके देखता है और सीधा हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ हमारा बैंक होता है। और बैंक कहाँ होगा, डेफिनेटली कालिया के घर अनोनिमस हाउस में। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं बाबा जी कालिया के घर, और कालिया जाना अपना बैंक जाना वो सिक्योर करना है, लाइक आप गुंडे जो है ना उनको पता चल जाता है, लाइक उनका कब्जा था हर तरफ उनके बंदे थे, उनको पता चल जाएगा कालिया यहाँ पर आए अपने बैंक पे। और जब उनके बंदे मरे तो उनके बाकी लोगों को खबर भी हो गई थी कि हमारे बंदों पे तशद्दुद किया गया, उनको वापस लॉबी में भेज दिया गया, और कालिया अपने मुल्क में अपने शहर में वापस आ चुका है। कालिया भैया ने यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बंद किया, और अब कालिया भैया जना अपना झंडा लहराएंगे कि हम आ चुके हैं, अब जंग की शुरुआत होगी, कालिया भैया ने झंडा। तो अगला स्क्वाड आ जाता है गुंडों का कालिया भैया को मारने के लिए, और अब कालिया भैया थोड़ी सी टेंशन में होते हैं क्योंकि कालिया भैया अकेले बचे हैं, उनका जो असिस्टेंट था, उनका मैनेजर, उनका हेल्पर, उनका गार्ड वो मर चुका है। कालिया भैया एक का पिछवाड़ा डिंगा कर देते हैं, लेकिन कालिया भैया के वेस्ट पे गोलियां पड़ती हैं, कालिया भैया की हेल्थ आधी हो जाती है। अब हम करेंगे यहाँ पे हील, और गाइज अब एक गैंग तो बैठा है यहाँ पे, दूसरा गुंडों का गैंग भी आ जाएगा, वो देखो गाड़ी आ रही है पूरी, इतने जालिम लोग। और यहाँ पे गाइज मैं चुप रहूँगा, आप लोग देखो कालिया ने क्या किया। गाइज अगर अब भी आप 50,000 लाइक्स ना करो ना तो फिर कालिया के साथ ये ज्यादती है, 50,000 लाइक्स कुछ भी नहीं है, ठोक डालो सबके सब, दबा दो बटन टक से। तो कालिया ने यहाँ पे बड़ा गंदी तरीके से पूरे स्क्वाड को मारा, गाइज ऑलमोस्ट कालिया का कबाड़ा हो गया था। और अगर आपको ना कालिया का पार्ट 2 देखना है तो मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर इस पर ना लाइक एक दिन में 50,000 लाइक्स हो गए ना मैं प्रॉमिस करता हूँ कालिया का दूसरा पार्ट भी आएगा, और अगर ऐसे ही प्यार दिखाते रहोगे तीसरा चौथा आएगा और नए नए भी आएंगे। तो अब उसने इसके जो दूसरे गुंडे ने बड़ा गंदा डैमेज दिया था हमें, हमारी हेल्थ चली गई थी, और अब ये वाला अलग स्क्वाड रश कर देता है कालिया के ऊपर गुंडों का गैंग, कालिया रास्ता बंद करने की ट्राई करता है। ओए होए होए धमाका देखा गाइस, अब 3 बंदे बचे थे आई गेस, और ये लोग ना लाइक इजी ले रहे थे कि एक ही बंदे का साउंड आ रहा है, और जो बंदा इजी लेता है ना वो हमेशा नुकसान में रहता है, और ये लोग इजी ले रहे थे कालिया को। भाई कालिया के शहर पे तुमने हमला कर दिया, ऊपर से तुम कालिया को इजी ले रहे हो, ऐसे कैसे बाबा जी। अभी देखो कितने मज़े से एंगल लेता लेता पीछे जा रहा था, सही है भाई। अब 2 बंदे रह गए थे गाइस, और ये बेचारा टीपी भी ले रहा था, इसका पिछवाड़ा नज़र आ रहा था, तीसरा बंदा भी इनका डाउन है, आखिरी बंदा बचा था
अब हमें आखिरी बंदे को डाउन करना है। तो बाबा जी कालिया ने यहाँ पे मचा दिया, कालिया ने मौत को छुआ, टक से वापस आकर अपने बैंक की सक्सेसफुली हिफाजत कर ली बाबा जी। है मैं पता है बड़े दिल से एडिट कर रहा हूँ ये वीडियो, और मुझे यकीन है कि लाइक बहुत आगे जाएगी वीडियो। पता नहीं लाइक आप जब कुछ नया एडिट करते हो ना, कुछ वो होती हैं होप्स होती हैं आपके दिल में, मेरे में भी हैं कि यार लाइक बड़े दिल से कुछ स्टोरी बना के मैं पोस्ट करूंगा, पता नहीं कैसी जाएगी। तो आप लोग प्यार ज़रूर दिखाना, शेयर भी करना अच्छे से। और गाइस फिर ना कालिया को मिलता है डब्बा जो कालिया ने यहाँ पे छुपा के रखा था, बस कुछ भी बोल दें। वो अरबी बेचारे दोनों यहाँ पे नॉक हो गए थे, एक ऑफलाइन जा रहा था बार बार, दूसरा अरबी बेचारा नॉक हो गया था। तो अब कालिया को यहाँ पे डब्बा अपना जो कालिया ने खजाना छुपा के रखा होता, लाइक अपने हथियार रखे होते हैं कालिया ने अपने घर में, यस हम ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। तो कालिया अपने नए वेपन्स उठा लेता है अपने छुपाए हुए लाइक हाँ छुपाई हुई जगह से, नए वेपन्स उठा लेता है कालिया आगे की जंग की तैयारी के लिए। और कालिया फिर यहाँ पे अपनी हेल्थ वगैरह उठाता है, नया आर्मर उठाता है, एकदम वो कहते हैं ना जंग की तैयारी कर रहा होता है हीरो, जब ऐसे फुल गन वन रख रहा होता है और स्लोमो चल रहा होता है, हल्का हल्का म्यूज़िक वही सब चल रहा था यहाँ पर। और अब कालिया को लाइक जो है ना कालिया अपने उसमें देखता है किस में सीसीटीवी कैमरास में, हाँ सीसीटीवी कैमरास में देखता है कि बंदे बचे हैं थोड़े से, गुंडे वहाँ पर हैं और गुंडों ने ना ये बिजली लगाई हुई है चारों तरफ, हाँ हम ऐसा कुछ कह सकते हैं। अब कालिया ने देख लिया कि ये बिजली की तारें ये क्लोज होती जा रही हैं ताकि कालिया गुंडों के पास जाए। तो कालिया ने कहा देखो भाई तुम लोग मुझे बिजली क्या बोलूँ मैं लॉल हाँ थोड़ा सोचना पड़ता है ना। कालिया बोल रहा है कि तुम लोग इन बिजली की तारों से ना सोच रहे हो कि मैं टकरा के मर जाऊँगा, बट कालिया के लिए तुम आसानी कर रहे हो इन बिजली की तारों को लगा के, तुम मेरे खुद करीब आओगे। अब गाइस अनोनिमस हाउस पे ऊपर बंदे थे और कालिया ना बड़े जोश में जा रहा था अपना एक और घर क्लियर कराने के लिए, एक और गुंडों के स्क्वाड को मारने के लिए। और अब आगे ना गाइस देखो वो बंदा, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो अभी उस बंदे पे ना सामने क्लियर शॉट था और एक और बंदा राइट साइड में रिज पे, उस पे भी बड़ा क्लियर शॉट है। बट कभी भी ऐसे लो ना अगर आप ओपन में हो, क्लोज चले जाओ। और मैं वहाँ पे नॉक कर सकता था बट उसके टीममेट जो है वो उसको रिवाइव देते और वो लाइक चौकन्ने हो जाते। अभी देखो ये था, मैं दूर भी इसको नहीं मारा, क्लोज आके कालिया इनको मारेगा। अब बाकी इसके गुंडे रश करेंगे, बाबा जी कालिया ने कार बार मौत को छुआ, टक से वापस आ गया कालिया ने ये वाला गुंडों का स्क्वाड मार दिया। अब गाइस कालिया ने अपने शहर को बचाने में ना लाइक ऑलमोस्ट अपने मुल्क को कह सकते हैं हम, शहर तो एक ही शहर छोटा सा होता है, हाँ अपने मुल्क को बचाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुका था। बट अभी भी एक गुंडों का स्क्वाड बाकी था और उन गुंडों को मारना ज़रूरी था, उसके बाद कालिया अपने शहर पर राज करेगा पहले की तरह। लेकिन अब कालिया ना लाइक थोड़ा सा नर्वस था कि इतने को तो मार दिया, अब इस आखिरी से अगर मर गए तो दोबारा से मेरा मुल्क जो है ना दुश्मन के हाथों में चला जाएगा। अब गुंडों का स्क्वाड इसके सामने था कालिया के, और गुंडों को नहीं पता था कालिया कहाँ पर है। गुंडे तीन के तीन कालिया को ढूंढ रहे थे। अब उनमें से एक गुंडा आके ना बातें करने लग जाएगा इसकी, अब उसकी अपने वहाँ अपनी बीवी की शिकायतें करेगा अपने दोस्त से, यार मेरी बीवी ना मुझसे घर के काम करवाती है, बर्तन धुलवाती है। इतनी देर में कालिया देख लेता और कान के नीचे लगाता है। और यहाँ पे गए कालिया ने अच्छा काम क्या किया कि फ़ौरन से अपनी पहली मोहब्बत टॉम के साथ इसको कर दिया फिनिश। अब बचे थे सिर्फ दो गुंडे, और इन दो गुंडों को कैसे भी करके कालिया ने मारना था। जब यहाँ से लाइक बिजली करीब आने का अलार्म बजा, कालिया को पता चला कि बिजली की तारें जो है ना करंट वाली तारें करीब आने वाली हैं मेरे, तो कालिया ने फैसला किया कि जब मुझे इनसे नुकसान होगा तो गुंडों को भी होगा बिजली की तारों से। तो कालिया ने फैसला किया कालिया पहले जाएगा बिजली की तारों से दूर और वहाँ जाके गुंडों को मारेगा, कोई रिस्क नहीं लेगा। यहाँ पे गाड़ी थी लेकिन गुंडों की गाड़ी जो है वो यहाँ पे जल रही थी, तो कालिया ने गाड़ी ना लेने का फैसला किया। और अच्छी बात ये थी कि गुंडों को नहीं पता था कालिया इस टाइम कहाँ है। कालिया भागा जोन में और गुंडों की गाड़ी आ गई, पीछे से साउंड आ रहा था गुंडों की गाड़ी आ रही है, और गुंडों की गाड़ी आ जाती है और कालिया जो है ना वो थोड़ा सा फंस जाता है यहाँ पे।
बुरी बात ये थी, जो गुंडे थे उनके पास ज़्यादा अच्छी जगह थी और कालिया के बहुत पास जो ना वो बिजली की तारें आ जाएंगी। तो अब गुंडे रुक गए, लेकिन गुंडों को पता नहीं है कालिया कहाँ है। कालिया अपने नई गन के साथ, दो दो गन उठा रखी थी पूरी अच्छी पैकिंग वाली लूट के साथ, अपने मुल्क को बचाने के बहुत करीब था। फिर कालिया ने बमबारी कर दी बंदों के ऊपर और उन्होंने भी अपनी गाड़ी फाड़ दी अपने बचाव के लिए, ताकि वो थोड़ी सी जगह बना सकें। फिर कालिया ने तीनों के तीनों बम उन पर फेंक दिए और एक बम जाके फटेगा बूम करके और एक गुंडा जो है ना वो नॉक हो जाएगा, लगभग उनका पिछवाड़ा डिंगा हो जाएगा, एक ही गुंडा बचता है। फिर कालिया जो विक्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए, कालिया सांप बन जाता है। कालिया को कोई रिस्क नहीं चाहिए, कालिया चाहता है कि वो अपने मुल्क को बचा ले। एक गुंडा, क्या कालिया अपने मुल्क को बचा पाएगा? कालिया आगे जा रहा है, कालिया खतरे में है। गुंडा उठा, गुंडे ने गोलियां मारी, कालिया ने गोलियां मारी, कालिया ने जंप की, गुंडा डर गया। ओ भाई साहब, ये 5 HP क्लच पे कालिया ने अपने मुल्क को बचा लिया। लॉल गाइस, लास्ट में थोड़ी सी बातें करते हैं, बट अभी हम चलते हैं अपने TDM की तरफ। और TDM मैच अब हम आपको दिखाते हैं कि TDM मैच हमारा कैसे गया था। अब इसमें क्या था, ये इसके वो थी गाइस डैमेज वगैरह, और ये था यूरोप सर्वर था। अब इसमें क्या होता है गाइस के जो मेरी टीममेट है ना वो बिल्कुल गन यूज़ नहीं करेंगी, और जो बाकी मेरे 2 teammates आए होते हैं ना इतनी ज़्यादा बार मर रहे होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट जितने 4 enemies होते हैं ना अच्छे लेवल के होते हैं, वो सब के सब मेरा कबाड़ा कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ मैं ना तकरीबन 1v4 वाली फ़ाइट कर रहा था बार बार, मैं एक दो को मार रहा था वो मुझे मार रहे थे। लेकिन इस स्टेडियम मैच में जो 1-10 की स्ट्रिक जाएगी ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई थी वो, और एक बार तो मैं भी खुश हो गया था। तो उसके बाद गाइस हम अपनी सेटिंग देख लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब हमारी नंबर 3 जो है वो बिल्कुल फाइट नहीं लेंगी, और ये दोनों टीममेट जो है ये बार बार मरेंगे और एनिमीज जो है ना वो लीड लेते जाएंगे ऊपर, तो काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे मिलता है कालिया को पहला किल, और हमारे टीममेट भी एक बार मर चुके हैं। फिर यहाँ पे दूसरा मारता हूँ मैं बंदा, और हमारे टीममेट जो गाइस ये दो एक बहुत बार मरते हैं, और एक तो बेचारा मर मर के लीक करके चला जाएगा, कितना लो था ये। लो पीछे से कवर दे देते हैं, और यहाँ पे ना 4 kills हो जाते हैं गाइस एनिमीज के, 2 मेरे होते हैं और हमारे होते हैं टोटल 3। फिर हम नेट करते हैं एक आगे ज़रा, इस नेट से गाइस बंदा फटना चाहिए था वैसे, बट मैंने गाइस एक चीज़ देखी कि ना TDM में ना कम डैमेज होता है नेट का। फिर यहाँ पे 2 बंदे हमने और मारे, अब 5 और 6 की लीड हो गई थी, लाइक 1 की लीड चल रही थी हमारी। मैं प्रीफर दे रहा होता हूँ लेफ्ट पे, ये बंदा राइट से आ जाता है, और फिर यहाँ पे उनकी एक ज़्यादा किल था उनका, और फिर मैंने दोबारा से लेवल किया, मेरे टीममेट बार बार मरते जा रहे थे, और फिर वो लोग आगे चले गए थे 1 kill से, और फिर मैंने बराबर किया, और फिर मैंने एक ज़्यादा लीड कर दी अपनी। मैं हमारे 12 हो चुके थे, उनके 11 हो चुके थे, और यहाँ पे एक बार मेरे टीममेट मरे और हमारे 14 kills हो गए थे और उनके हो गए थे 13। बहुत ज़्यादा अच्छी गेम जा रही थी गाइस ये, लाइक जब आपके लिए टफ कंपटीशन होता है ना, आपकी टीममेट मर रहे होते हैं और आप बराबर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आप लोग आप भी मर रहे होते हैं बार बार, तो बहुत मज़ा आता है ऐसे TDM मैच में। और ये वही वाला मैच था, ऐसे ही था कुछ, और मैं प्रोनो की किल निकाल ही जा रहा था गाइस। शायद ये वाली 10 की स्पीड जाने वाली है, 3 kills हो गए थे, ये हमारा 4th kill हो गया था, और पीछे वाला बंदा मरते मरते बचा। ये गाइस हमारा 5वां kill हो गया था, और ये 6ठा kill हो गया था। लॉल 7 की लीड थी हमारी, और ये फिर हमारा हो गया था 7वां kill, ये हमारा हो गया था गाइस 8वां kill, ये हो गया था 9वां kill, ये 10वां kill, और कुछ ऐसे मरे थे हम। वो 11 की स्ट्रीक हो गई थी आई गेस, जो 10 थे ना 11वां मैंने मारा था, बट वो शो नहीं हुआ। लॉल मैंने भी देखा, तो गैस उसके बाद हम मैंने काफ़ी अच्छी लीड बना ली थी इस टीम से। ये लोग बार बार मारे जा रहे थे, मैं भी बहुत बार मर रहा था, क्योंकि ये लोग 3-3 करके मुझ पे आ रहे थे। ये देखो गाइज ऐसे हो रहा था मेरे साथ, मैं 1-2 को मार भी रहा था ना, पीछे से दूसरे मार रहे थे, एक बंदा मार लीव कर गया था, और एक प्लेयर तो हमारा खेल ही नहीं रहा है, फिर वो जो खेल भी रहा है वो बार बार मर रहा था बेचारा। और यहाँ पे 32 33 kills,
हमारे 34 हो गए थे, मेरे 27 थे, और मेरे 28 हो गए थे, 20 हो गए थे उनके। तो बाबा जी दोबारा से देखो हम वैसे ही मर गए लॉल, और यहाँ पे 38 हो चुके हैं और 23 हो चुके हैं। एक किल मैंने किया और दूसरा वाला मेरे टीममेट को मिलेगा, और ये ऑलमोस्ट हमारा चोरी हुआ था। 31 किल के साथ गैस तकरीबन सोलो स्क्वाड वाला सीन निकाला था, और नौबर मैं मरा था, 3 असिस्ट हुए थे, तो बहुत अच्छा गया था ये वाला टीडीएम मैच भी। तो गैस अब मुझे आप लोग बताओ, दिल से बताना कि आपको ये कालिया वाला जो आज का गेम प्ले था कैसा लगा। लाइक्स करके प्यार दिखाना, शेयर करके दोस्तों को बताना, अच्छा जाना चाहिए बस वीडियो। आप लोग को पूरा लाइक मुझे पता है आप लोग ले जाओगे, और ऐसी और सीरीज चाहिए फनी फनी तो मुझे बताना, मैं लेके आऊँगा। जब मेरे माइंड में कोई स्टोरी आएगी ना, मैं गेम प्ले में ऐड करके आप लोग के लिए ले आऊँगा, और होप्स हो आपको बहुत मज़ा आया होगा। मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना, और गैस कोशिश करना नमाज कम करो। बाकी गैस मुझे मज़े की वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं ना स्क्वाड है, उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना प्लीज़। इंस्टाग्राम की आर्मी हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 50,000 प्लस हो चुकी है, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या आप सर्च कर लेना @theanonymousxd मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा। और बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे गैस नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना गाइज़। लव यू अनॉनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।